के संदर्भ में तो कल रात में हम सब लोगों ने महागठबंधन हो गया झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड विकास मोर्चा, ये सब मिलकर के चुनाव लड़े और उसके लिए सीटों के बारे में भी सब कुछ हल हो गया, लेकिन औपचारिक रूप से जो घोषणा हो झारखंड के जो आदरणीय श्री शिव सोरेन जी हैं उनके उपस्थिति में घोषणा हो। अच्छा, तो हम सब लोगों ने हेमंत जी से कहा है तो उनसे बात करके संभव हो तो होने के पहले हो जाए 19 तारीख को, इतना हम सब लोगों ने आग्रह किया है। फिर वो बात कर रहे होंगे जो समय निर्धारित हो तो उस दिन कौन कहाँ से लड़ेंगे ये सारे सीटों के बारे में घोषणा। और सर 4-3-1 का जो रेशियो था क्या इसमें कुछ संशोधन हुआ है? कौन कहाँ से क्या लड़ेंगे तो इंतजार करिए, बाकी सब कुछ हो गया। पर नहीं 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 ठीक है सर, वो भैया दिल्ली से लौट रहे हैं और किस तरह से तालमेल बैठा है और क्या उम्मीद करें महागठबंधन? आपको बताऊं, जो हम लोग पिछले 3 वर्षों से सभी विपक्षी एक साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और इस सरकार के नीतियों के नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार के जुमलों के खिलाफ लड़ रहे थे, किसानों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, तो उसका आज संसदीय प्लेटफॉर्म पे लड़ने का एक जो मोर्चा था, जो हमारा महागठबंधन, वो पूर्ण रूप से स्वरूप में आ गया। सर थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि रेशियो क्या रहा है और सुबोधान सहाय रांची से उम्मीदवार हो रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी के, जब तक कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं करता है तब तक सुबोध कांत सहाय है उम्मीदवार।